सो गाइस लेट रिवाइज वन टू चैप्टर का नाम है हालू। लास्ट वीडियो में आप ग्रीटिंग्स वीडियो में आपने देखा होगा हालू का मींस क्या था। हालू का मींस होता है हेलो, और आपने ये भी नोटिस किया होगा हेलो को हम क्या बोल सकते हैं और ग्रीटिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। तो चैप्टर में हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि हम दूसरे को कैसे पूछते हैं कि व्हाट्स योर नेम। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है अगर आपको पूछना है कि आपका नाम क्या है तो वो कैसे पूछ सकते हैं। तो हम पूछेंगे वी हाइस्ट डू। तो अगर आप किसी से पूछना है कि आपका नाम क्या है जर्मनी में तो आप ऐसे पूछेंगे वी हाइस्ट डू। तो वी का मतलब होता है हाउ, ठीक है, और हाइस्ट का ये हाइस्ट है, हाइस्ट एक वर्ब है, हाइसेन, हाइसेन से कॉन्जुगेट हुआ है डू के साथ, वो आप बाद में पढ़ेंगे, अभी आप कंफ्यूज मत होइए। तो हाइस्ट का मतलब यहाँ पर होता है टू बी कॉल्ड, हाइसेन इसका मतलब होता है टू बी कॉल्ड, और डू डू का मतलब होता है यू। ओके, आप इसको जवाब कैसे दे सकते हैं, इश हाइस और आपका नाम एक्स वाई जेड ये वेरिएबल लिखा हूँ तो आप समझ आप जो आपका नाम है यहाँ पर फिल कर लीजिए। जैसे मेरा नाम अरीज है तो आई विल से इश हाइस अरीज। तो लेट्स रिवाइज वंस वी हाइस डू इश हाइस अरीज। इतना समझ में आया? तो इस तरीके से हम जर्मन में पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। अब सेकेंड बार आते हैं, सेकेंड पे है वेयर बिजदू। वेयर बिजदू का मतलब होता है हु आर यू। देखो मीनिंग दोनों का सेम ही होगा, वेयर बिजदू तुम कौन हो, हु आर यू, वी हाइस्टू व्हाट्स योर नेम, दोनों में एक ही आंसर होगा, बस डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से आंसर है। जैसे अगर हाइस्ट में पूछा है तो आपको आंसर हमेशा हाइस्ट में देना, जैसे वी हाइस्टू व्हाट्स योर नेम, तो इसका आंसर क्या था, इश हाइस अरीस। और दूसरे में वेयर बिजदू, वेयर मतलब होता है हु, बिज का मतलब होता है आर एंड डू का मतलब होता है यू, हु आर यू। तो इसको हम कैसे, इसमें हम जवाब देते हैं बिन में, तो इश बिन और आपका नाम अरीज, जैसे मेरा नाम है फॉर एग्जाम्पल, सो आई विल से इश बिन अरीज, वेयर बिज डू इश बिन अरीज। तो आप दोनों वेज में जर्मनी में आप पूछ सकते हो किसी से भी कि आपका नाम क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने हैं तो लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बताया था अगर आपको पूछना हो हाउ आर यू तुम कैसे हो तो उसको जर्मन में कैसे पूछ सकते हैं, वी गेट्स। वी गेट्स का मतलब होता है हाउ आर यू, इसको पूछते हैं। तो हमको जवाब कैसे देना है, कोई आपसे पूछा वी गेट्स तो आप जवाब इस तरीके से देंगे, मिया गेट्स गुड, मिया गेट्स गुड मतलब आई एम गुड, गुड मतलब गुड मतलब गुड, मिया गेट्स गुड आई एम गुड, उन दू उनका मतलब एंड एंड डियर का मतलब होता है यू। ओके, उन दू उन डियर सॉरी मियर गेट्स गुड उन डियर इसका मतलब है आई एम गुड एंड यू, कोई हमसे पूछते तो हम भी तो पूछते उससे तुम कैसे हो, तो वैसे ही है मियर गेट वी गेट्स मियर गेट्स गुड उन डियर हाउ आर यू आई एम गुड एंड यू, और उसको फिर बोलेगा आउख गुड डांक, सी एस मतलब यहाँ पर खा की साउंड लगी, आउख आउख गुड डांक मतलब आई एम ऑल्सो गुड, आउख का मतलब होता है ऑल्सो, आई एम ऑल्सो गुड थैंक यू, समझ में आ गई इतना। नेक्स्ट अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, तो इसे हम जर्मन में पूछते हैं वी आल्ट बिस्ट डू, वी आल्ट, वी आल्ट मतलब हाउ ओल्ड, आल्ट का मतलब ओल्ड, आर बिस्ट का मतलब होता है आर एंड डू का मतलब यू, वी आल्ट बिस्ट डू हु आर यू सॉरी हाउ ओल्ड आर यू। तो हम इसे जवाब देते हैं इश बिन, फॉर एग्जाम्पल एल्फ, जर्मन में 11 को हम बोलते हैं एल्फ, अभी मैं काउंटिंग वाइज के नेक्स्ट टॉपिक काउंटिंग के ही ऊपर है, तो 11 को हम एल्फ को बोलते हैं जर्मन में, तो इश बिन एल्फ यारा अल्ट, यारा अल्ट, यारा मतलब होता है इयर्स, इयर्स ईयर को हम यारा ही बोलते हैं, अल्ट अल्ट मतलब ओल्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, तो इश बिन एल्फ यारा अल्ट। जैसे आप अगर 13 के 12 के हो तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 12 के हो तो आप बोलोगे इश इश बिन स्वल्फ यारा अल्ट, स्वल्फ मतलब 12 को हम स्वल्फ बोलते हैं जर्मन में, तो इश बिन जो भी आपका एज है फिर यारा अल्ट, ये मेन है, अगर ये नहीं लगाए तो फिर आप किसी को डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे आपकी एज क्या है। तो जर्मन में अगर आप किसी से एज पूछना है तो आप कैसे पूछोगे, वी आल्ट बिस्ट डू, इसका जवाब देंगे इश बिन एल्फ यारा अल्ट। तो ये मेन टॉपिक था इस चैप्टर का, ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो गया, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते सब। तो रिवाइज वी हाइस्ट डू,
प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आपको देखना पड़ेगा वरना बहुत गलती हो सकता है. और एंड स्पेलिंग एज वेल. वी हाइस्ट डू. व्हाट्स योर नेम. इश हाइसर एंड योर नेम. इश हाइसर माय नेम इज अरीज. जैसे मेरा नाम है फिर आपका नाम है आने वालों. वेयर इज डू. हु आर यू. इश बिन अरीज. आई एम अरीज. वी गेट्स. वी गेट्स का मतलब हाउ आर यू. मी आर गेट्स गुड. उन डियर. आई एम गुड एंड यू. Auch gut, danke. I am also good, thank you. Wie alt bist du? How old are you? Ich bin 11 Jahre alt. I am 11 years old. तो गाइस ये टॉपिक अब पढ़ते हैं. ये टॉपिक हो चुका है ओवर. ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है काउंटिंग्स. तो काउंटिंग्स हम सीखेंगे 0 टू लेके 20 तक पूरा. अच्छे से आपको प्रोनाउंसिएशन देखना है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो गाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जालिम. जालिम. जालिम का मतलब होता है काउंटिंग्स. काउंटिंग्स. तो अब हम लोग लर्न करने वाले हैं जीरो से लेके 20 तक काउंटिंग्स इन जर्मन. सो गाइस यहाँ पर मैंने नंबर्स में भी लिख लिया है कि आपको समझ में आ गया कौन सा नंबर को क्या कहते हैं हम जर्मन में. तो 0 से 20 तक हम काउंटिंग लर्न करेंगे. और काउंटिंग्स को हम कहते हैं जालेन. तो ZALEN जालेन. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग से हम. तो गाइस 0 को हम बोलते हैं जर्मन में. 0 को बोलते हैं नुल. NULL नुल. 1 को हम लोग बोलते हैं आइंस. सीधा एस एट द लास्ट. INS आइंस. 2 को हम जर्मन में बोलते हैं स्वार. ZWEI. तो आप सोच रहे हो यहाँ पर Z लिखा है स्वाय होना चाहिए स्वाय. तो हम मैं स्वाय क्यों बोल रहा हूँ. तो गाइस जर्मन में एक रूल है. रूल नहीं मतलब लोग Z की जो साउंड होती है ना उसे S प्रोनाउंस करते हैं. जैसे यहाँ पर स्वाय लिखा तो हम लोग बोलेंगे स्वाय. ओके. 3 को हम बोलते हैं द्राय. DREI dry. 4 को हम बोलते जर्मन में fear. fear. ठीक है. अब और यहाँ भी वैसे ही है. v की जब साउंड जब v लिखाते हैं तो हम उसे f प्रोनाउंस करते हैं. v की साउंड होती है f और यहाँ पर r भी साइलेंट होगा. fear. ओके. सो गाइस 5 को हम लोग कहते हैं जर्मन में fünf. f u umlaut n f fünf. 6 को हम जर्मन में कहते हैं सेक्स. सेक्स. जब भी यहाँ पर एस आता है तो हम इसे जेड प्रोनाउंस करते हैं. आप इसे एस से नहीं बोल सकते. जेड बोलेंगे सेक्स. 7 को हम लोग जर्मन में बोलते हैं गाइस सीबेन. एस आई ई बी ई एन सीबेन. एस प्रोनाउंसेड सीबेन. 8 को हम जर्मन बोलते हैं आख्ट. सी एच मैंने बताया था पहले भी. सी एच जब आते तो खा की साउंड होता है. आख्ट. आख्ट. 9 को हम जर्मन में बोलते हैं नॉइन. नॉइन. एन ई यू एन नॉइन. 10 को हम जर्मन में कहते हैं गाइस ज़ेन. जेड ई एच एन ज़ेन. ओके. नेक्स्ट कम टू 11. 11 वी से इन जर्मन एल्फ. मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था हम 11 को बोलते थे एल्फ. तो ये काफी छोटा है और इजी भी है. एल्फ. ई एल एफ. 3 वर्ड्स का है एल्फ. 12 को हम जर्मन में बोलते हैं स्वल्फ. जेड की साउंड एस. स्वल्फ. जेड डब्ल्यू ओ उमलाउट एल एफ. स्वल्फ. ओके. 14 को हम जर्मन में कहते हैं फियर्जेन. देखो गाइस अभी यहाँ तक आने के लिए अभी आप 12 तक लर्न करो फिर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है. लेकिन इसका बहुत अच्छा ट्रिक है. ठीक है. जैसे जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कहते हैं. 3 को हम लोग क्या कहते हैं जर्मन में. क्या कहते हैं यहाँ पर 3 पे. द्राय. हम लोग कहते हैं 3 को द्राय. ओके. द्राय. अब मैथ्स में क्या होता है. देखो मैथ्स में 10+3 कितना होता है. 10+10+3=13. वैसे जर्मन में आप एक इजी वे बता रहा हूँ. ठीक है.
थ्री को हम लोग बोलते हैं द्राय, ओके, और टेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंथ को क्या बोलते हैं, ज़ेन, ओके, तो द्राय प्लस ज़ेन इज इक्वल टू द्राय ज़ेन, इजी पीजी, ठीक है, वैसा ही द्राय ज़ेन, बस अब क्या, जैसे आप यहाँ पर लर्न करो गाइस, यहाँ जैसे ही आप लर्न कर रहे हो वैसे ही बस आगे ज़ेन लगाना है आपको, ठीक है, बस 9 तक 19 तक बस आपको ज़ेन लगाना है, फ्यूम फ्यूम 5 तो आगे ज़ेन लगा बन गया फ्यूम ज़ेन, वैसे ही ज़ेग ज़ेन, बट बस एक डिफरेंस जो होता है यहाँ पर वो होता है यहाँ पर ज़ीब ज़ेन, यहाँ पर लिखा है ज़ीबन, लेकिन हम यहाँ पर ज़ीबन ज़ेन नहीं बोलते, यहाँ पर ये जो ई है ना ये हो जाता है साइलेंट, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ज़ीब ज़ेन, और यहाँ पर 16 में भी ज़ेक्स में एस हट जाता है, यहाँ पर एस हट जाता है तो हम बोलते हैं ज़ेग ज़ेन, बस ये दो डिफरेंस है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, और वैसे ही 8 को हम बोलते हैं आठ, और प्लस ज़ेन क्या हुआ आग ज़ेन, सिंपल 10 प्लस वैसे ही लगा दो, 9 को क्या बोलते हैं 9, और प्लस 10 ज़ेन, 9 ज़ेन हो गया 19 तक, कितना ईजी है, और बस आपको अगर आपने यहाँ तक लर्न कर लिया गाइस, लिटरली अगर 12th तक आपको लर्न कर लिया तो आप कोई भी जर्मन मतलब कोई भी काउंटिंग आप लर्न कर लोगे इन्फिनेटिव, ओके, तो 20 को हम लोग बोलते हैं स्वानजिश, जेड की साउंड एस, ऐसा है स्वानजिश, यहाँ पर आपको जी जिग नहीं पढ़ते जिश पढ़ते जिश, स्वानजिश, ओके, इतना समझ में आया, तो लेट्स रिवाइज वंस ऑल द काउंटिंग, null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebenzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. हो गया? So guys, with this We have come to the end of our chapter. तो बस इस chapter में यही दो था कि हम कैसे पूछते हैं, greet कैसे करते हैं, आप what's your name, age, how are you, ये सब learn करते हैं पहले topic में, second topic है counting. ये topic से, ये दो topic से हमारा chapter end हो चुका है. Hope आपको आज का video पसंद आया होगा. अगर आप कुछ नया सीखने मिला तो video को like करना, channel पर नए तो video को subscribe करना. We'll meet in next video. Till then take care and bye. Auf Wiedersehen.